हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज मैं लेके आया हूँ इन्फिनिक्स नोट सीरीज का 5G स्मार्टफोन जिसका नाम है इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G। तो बॉक्स पैकिंग को देखें तो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी की ब्रांडिंग इस बॉक्स पर की गई है। बॉक्स के राइट साइड में आपको इन्फिनिक्स और मार्बल का लोगो के साथ साथ पीछे बड़ा सा फॉन्ट में लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा। 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है इसमें आपको, लेफ्ट और राइट साइड में मेंशन किया गया है। और बैक साइड में यहाँ पर कुछ हेडलाइन फीचर्स जिन्हें मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको चिपसेट मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 का मिलता है। एमोलेड डिस्प्ले दी गई है और यहाँ पर आप 5G के बैंड्स देख सकते हैं। डुअल सिम 5G ही आपको मिलेंगे। 33 वॉट का फास्ट चार्जर आपको इसके अंदर दिया गया है। 5000mAh की बैटरी, रैम 8GB तो फोन में है और 5GB आप बढ़ा सकते हैं, वर्चुअल रैम आपको यहाँ पर दी गई है। बॉक्स प्राइस को देखें तो 24,999 रुपये बॉक्स पर प्राइस लिखी हुई है, लेकिन इतने में नहीं मिलेगा आपको, ये आपको मिल जाएगा मात्र 14,999 रुपये में। फ्लिपकार्ट से आप परचेज कर सकते हैं। कंटेंट में आपको क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल दिए गए हैं, उन्हें हमने सेट कर लिया है। और ये देखिए, ये है इसका 33 वॉट का इन्फिनिक्स का चार्जर, काफी हैवी है और व्हाइट कलर का ये चार्जर जो कि मोबाइल को काफी फास्ट चार्ज करेगा। और एक व्हाइट कलर की टाइप ए टू टाइप सी यूएसबी केबल दी गई है। केबल की लेंथ और क्वालिटी काफी सही मिल जाती है। फोन को सेफ्टी देने के लिए एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का कवर दिया गया है, अच्छी क्वालिटी का है। आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर, तो ये रहा स्मार्टफोन जिसका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ मिल जाता है। ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दी गई है आपको इसमें। इन एंड फील हाथ में ये आपको काफी कंफर्टेबल, लाइट वेट और काफी स्लिम फील होगा। इसके अलावा इसका जो बैक पैनल है, यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल दिया गया है, जहां कैमरा सेटअप के आसपास अलग फिनिशिंग और नीचे आपको वेव टाइप की डिजाइनिंग नजर आ रही होगी। हल्के हल्के रेजेस हैं इन पर। इन्फिनिक्स 5G की ब्रांडिंग यहाँ पर की गई है। ऊपर जो कैमरा सेटअप है, दो बराबर साइज के लेंस जिसमें पहला कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, फिर 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर माइक्रो और एक छोटा सा लेंस जहां पर भी आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। मोबाइल के कॉर्नर भी बिल्कुल फ्लैट है, जहां पर फिंगरप्रिंट सेंसर, पावर ऑन की, जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड कुछ नहीं, सेकेंडरी माइक भी नहीं मिलता है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, इस पे आप 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकते हैं। मोबाइल के बॉटम में 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। मोबाइल की पावर को ऑन कर दिया है और इसकी जो ब्राइटनेस है इसे भी 100% कर लिया है। तो डिस्प्ले क्लैरिटी, सबसे पहले मोबाइल के एज और बेजल्स देख लीजिए, कॉर्नर से ऊपर से बिल्कुल सेम, लेकिन नीचे चिन्ह हल्की सी ज्यादा आपको नजर आएगी, उतना फील नहीं हो रही लेकिन अच्छा लग रहा है। फिर भी यहाँ पर आपको डिस्प्ले करीब से दिखा देते हैं, तो एमोलेड डिस्प्ले है तो कलर्स काफी अच्छे आपको नजर आ रहे होंगे। 700 nits की ब्राइटनेस मिलती है। अगर आप आउटडोर भी यूज करते हो मोबाइल को तो कोई दिक्कत नहीं, आप इजिली इसे यूज कर पाओगे। 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। टच काफी स्मूथ और फास्ट आपको इसका मिल जाता है। आइकन आपको नॉर्मली सभी स्मार्टफोन जैसे इन्फिनिक्स के आपको मिलते हैं वैसे ही दिए गए हैं। स्क्रॉल अप करते ही सारे एप्लीकेशन आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। कुछ प्री इंस्टॉल ऐप भी आपको इसमें मिल जाते हैं, अनवांटेड ऐप और ब्लोटवेयर ऐप भी आपको यहां पर दिए गए हैं। इसके बाद 6.7 इंच की आपको इसमें फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2400 pixels, पिक्सल डेंसिटी 393 PPI की दी गई है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको इसमें मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 92% का दिया गया है और इसकी जो हाइट है वो आपको मिलती है 164.6 mm, 76.9 mm विड्थ है और 7.9 mm इसकी थिकनेस है, यानी कि काफी स्लिम ये स्मार्टफोन है। और 188 ग्राम वेट है इसका। 5000mAh की बैटरी लगी है। दो कलर वेरियंट में आपको ये मिलेगा, फोर्स ब्लैक कलर और फोर्स व्हाइट कलर, जो भी कलर वेरियंट आपको पसंद आता है आप परचेस कर सकते हैं। चलिए अब इसकी सेटिंग को हमने ओपन करना है, तो सेटिंग को जैसे आप ओपन करोगे अंदर जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, जहां सबसे ऊपर आपको माई फोन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। इसे ओपन करें तो XOS मिलता है आपको इसमें, जिसका वर्जन है 10.6.0। डिवाइस नेम, मॉडल नेम यहां पर दिया गया है। एंड्रॉइड वर्जन 12 मिलता है। प्रोसेसर आपको 2.4 GHz का ऑक्टा कोर और चिपसेट मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 का आपको इसमें मिलता है। कैमरा डिटेल्स यहां पर दी गई हैं। 8GB रैम प्लस 3GB वर्चुअल रैम को यहां पर मेंशन किया है, जबकि बॉक्स पर 5GB को मेंशन किया गया था। 128GB का स्टोरेज आपको फोन में मिल जाता है और एक्सपेंडेबल मेमोरी जितना चाहो बढ़ा सकते हो। 2TB तक का मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन। 6nm का फैब्रिकेशन, ग्राफिक माली G57 के आपको इसमें मिलते हैं। LPDDR4X की आपको रैम दी गई है। इसके बाद इसका 108 मेगापिक्सल का कैमरा भी देख लेते हैं, तो गजब, काफी कलरफुल और क्लियर
कैमरा आपको इसका मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पर कलर्स काफी अच्छे हैं और जूमिंग देखिए तो ओनली 10x तक ही जूम कर पाओगे आप इसके कैमरा से। देखिए जूम करने के बाद इमेज फट नहीं रही, कलर फेड नहीं हो रहे, तो कैमरा मुझे इसका काफी पसंद आया। अभी हम आने वाले टाइम पर इसका आउटडोर में टेस्ट भी करेंगे, इसका कैमरा का वीडियो कैसी बनती है, साउंड क्वालिटी कैसी है, ये सब हम आगे की वीडियो में देखेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, स्क्रॉल अप करें तो शॉर्ट वीडियो, वीडियो मोड, AI कैम, ब्यूटी पोर्ट्रेट, सुपर नाइट मोड, AR शॉर्ट, स्लो मोशन, प्रो मोड, सुपर माइक्रो मोड, पैनोरमा, डॉक्यूमेंट्स और टाइमलैप्स जैसे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। तो मोबाइल मुझे 15,000 रुपये के अंदर काफ़ी बढ़िया लगा। भरपूर मात्रा में रैम मिल जाती है, भरपूर मात्रा में स्टोरेज और कैमरा तगड़ा दिया गया है। प्रोसेसर 5G है, डुअल 5G जो सिम है दोनों वो 5G सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए 15,000 रुपये के अंदर आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, क्या आप इसे परचेज करना चाहोगे, और अगर आपने परचेज किया हुआ है तो मोबाइल के बारे में कोई भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करिए, जिससे हमारे अन्य व्यूअर्स को भी कुछ ना कुछ मदद मिले। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आई होगी, जिससे आपको मोबाइल परचेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।